job, it's very well settled job. Only just dictation was there, supervisory job, well settled it was. But problem was there in the heart. Health problem was there. My BSc microbiology was my university se kiya. मेरे जितने अराउंड स्कूल मेट्स जो 21 लोग थे उसमें से 17 लोग सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर से आ गए दे आर ऑल इन कॉन्टैक्ट विद मी एंड मोस्ट ऑफ देम दे आर बॉट मशीन्स फ्रॉम मी एंड दे आर ऑल एक ऑन्को सर्जन है ऑन्कोलॉजिस्ट इज अ रोबोटिक कैंसर सर्जन है एंड यू नो कार्डियोलॉजिस्ट ईएम कार्डियोलॉजिस्ट नेफ्रोलॉजिस्ट सो आई एम द ओनली वन हु वाज अ बायोलॉजी स्टूडेंट But I did my MBA. That's the reason I got into some financial. So before that, 4 years my diabetes care company में बहुत काम किया. I was a product executive. So एक मुझे बचपन से मुझे एक आदत थी कि why हर चीज में मैं घुसता था अंदर. Why how it does why it should do. तो वही आदतें जब healthcare industry में मैं doctors के साथ जब interaction होता था. used to be very interactive with them. एक डॉक्टर के चैम्बर में जाने के बाद वो पेशेंट को 5 मिनट नहीं देता था मोस्ट ऑफ द डॉक्टर्स दे डोंट गिव मोर देन अ हाईएस्ट ऑफ द हाईएस्ट अमाउंट ऑफ टाइम स्पेंड विद द पेशेंट इज हाफ एन आवर एज पर स्टैंडर्ड आई सॉ मैं 45 मिनट्स टू सवा घंटा मैं उनके पास बैठता था दे यूज्ड टू स्पेंड विद मी सो मच ऑफ नो इन डेप्थ इन नो प्रोडक्ट नॉलेज ऑफ द स्पेशली फॉर इन अ डायबिटीज कंपनीज में बिकॉज डायबिटीज वॉज नेशनल वर्ल्ड डायबिटीज डे हम लोग मनाते थे उसमें गिनीज रिकॉर्ड भी में भी मैंने पार्टिसिपेट किया उसमें सो हेल्थ केयर वॉज अ माई चॉइस एक्चुअली सो आई वॉज वेरी कैलोरी कॉन्शियस लॉट ऑफ यू नो न्यूट्रिशन वो सब कुछ करता था बेसिकली सो बट ये बैंकिंग जब पैसे के चक्कर में पड़ गए हम लोग वेल्थ 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 में तो मुंबई में आने के बाद आई गॉट इन टू ए कंपनी कॉल्ड ICICI बैंक वेयर I served for 4.5 years as a branch manager. Then I shifted to HDFC Bank. Then 10 साल उधर काम किया मैंने. तो पिछले 3 साल से मैं क्या कर रहा था? I was doing a part time, you know, whenever I used to get time. So I used to introduce Kaggle machines to the team. But so far, मेरे जो HDFC Bank customer जितने भी हैं ना, उसमें से 11 या 12 लोग होंगे बस. But Because of them, I could able to reach to more than you know 150 to 160 families across the world. Almost 7 countries mein we have penetrated, and still it is growing very strongly. And my presence is in multiple market. Mera ek confined, it is not only in Pune. It is there everywhere because it's my passion. So we have our presence is in Hyderabad. So it's a big, big time. Bangalore mein presence acha hai. And that all high allied customers. Huh? If you ask me, I don't have aisa koi nahi hai ki jo passionate nahi hai. Main jo passionate nahi hai na, jisme passion hai, main usme passion bharta hu. Usi ke liye main mana jata hu basically. That's why people you know like me that you know iske paas aayenge to yaar kuch injection leke jayega. तो कुछ भी अगर आपको कुछ क्वेश्चंस रहेंगे ना यू कैन आस्क मी एनी टाइप ऑफ टेक्निकल नॉन टेक्निकल मार्केटिंग कमर्शियल नॉन कमर्शियल व्हाई दिस बिजनेस हैज टू बी ओके ये क्यों करना चाहिए हमको अगर मेरा एज 60 है तो भी मुझे क्यों करना चाहिए व्हेन आई एम एज 70 आल्सो आई कैन टेल यू इवन इफ यू आर 70 एज यू कैन डू दिस बिजनेस फॉर बेस्ट इन क्लास क्योंकि इससे अच्छा कोई बिजनेस ही नहीं है आज के डेट में बिकॉज आई एम ए वेल्थ मैनेजर ब्रांच मैनेजर मेरे से अच्छा कोई नहीं जान सकता मैं बताता हूँ कौन सा बिजनेस करना चाहिए बिकॉज पीपुल कम टू मी टू आस्क लोन फॉर 100 crores 50 crores 30 crores मेरे पास लोन आने के लिए उनका बैलेंस शीट मैं ही पढ़ता हूँ कॉस्ट शीट पढ़ता हूँ मैं तब जाके ना उनका पूरा ना कैंप्स करते हैं हम लोग तो आई थॉट यार जब अभी एट द एज ऑफ 43-44 आई एम डूइंग दिस जब मेरे पास इतना डिसीज लेके बैठा था बिफोर इंट्रोड्यूसिंग टू बैंक एंड So I decided my age will be around 50-55, I will be out. Because so much of disease I was incurring in my body. Like I had piles, I had fissure. Because it's a sitting job, right? Stressful job. So jab ye Shri Ravi Shankar ji ka jo humne video dekha, aapko alkaline pani peena chahiye. Alkaline aisa pani banata hai. Kaisa hai? Aapko nimbu ka aisa aada kaato, uska 3-4 piece bana ke kaisa matki mein dal ke
दो दो घंटे रखो तो अपने आप हेल्पलाइन बनता है। कोई समय एक साल किया मैंने तो भी मुझे आई वॉज नॉट सेटिस्फाइड। वेन वन ऑफ माई क्लाइंट, यू नो आई विल टेल यू द ब्यूटी ऑफ दिस बिजनेस, मुझे जिसने इंट्रोड्यूस किया वो बंदा खाली लाइफ में उसने एक ही दो ही लोगों को बेचा है, एक उसका भाई दूसरा मैं। वेरी गुड। तो किधर है? सो वो इसलिए इसलिए बिकॉज वी आर वेरी क्लोज, हम लोग कस्टमर के साथ जब वो कस्टमर एंड अगर वो जब बोल रहा है तो यार मुझे मानना पड़ेगा। तो उसको भी मैंने एक महीने के बाद उसको 15 मिनट दिया मैंने, तब जाके थैंक गॉड विनोद कालिया भगवान जैसा मेरे सामने आ गया। 15 मिनट की जगह मैं 1.5 घंटा दिया उनको और 1.5 महीना लिया मैंने। क्यों? इतना रिसर्च किया उसमें, विकिपीडिया में गया, ये हीरो भी सीने या नागा हीरो डॉक्टर हीरो भी सीने है ना, उसका भी मैंने कुंडली पढ़ लिया, इसमें किस किस में उसने रिसर्च किया। ही इज द फर्स्ट पर्सन हु हैज डन चिंपांजी में कोलोनोस्कोपी किया उसने। व्हाई चिंपांजी? बिकॉज चिंपांजी का जो फिजियोलॉजी एनाटॉमी है 95% इट रिफ्लेक्ट्स ऑन ह्यूमन बॉडी। ओके, और कितने कोलोनोस्कोपी किया उसने, राइट? सो ये सब करने के बाद देन यू नो आई रजिस्टर्ड फॉर अ पीएचडी इन आयनाइज्ड वाटर फ्रॉम यू नो कोलंबिया यूनिवर्सिटी। सो नाउ आई एम डूइंग दैट। सो बहुत सारे अच्छे अच्छे यू नो इसरो साइंटिस्ट को भी मैंने कन्वर्ट किया, ऐसे ऐसे मैंने साइंटिस्ट को लिया, जो साइंटिस्ट ने पहला एक कॉम्पिटिटर ब्रांड लिया उसको भी मैंने कन्वर्ट करके मैंने कैंगन मशीन दिया 3 दिन के बाद। साइंटिस्ट तो ऐसे होते हैं ना, साइंटिस्ट तो ऐसे होते हैं। तो देखिए कैसा ना, ये प्रोडक्ट ना इस लाइफ बदलने वाली है, आज नहीं तो 5 साल के बाद हर घर में आने वाला है, नो डाउट। और मैंने बहुत बहुत सारे एग्जाम्पल देखा आज के डेट में। यस्टरडे वन माय रोबोटिक कैंसर सर्जन ही वाज आस्किंग मी मेरा केवाईसी हुआ है क्या। ग्रुप में डाला था तुम्हारा केवाई सब ऑल न्यू डिस्ट्रीब्यूटर्स प्लीज गेट यूर केवाईसी डन, देन ही इज आस्किंग, उसको पैसा आ रहा है पता ही नहीं है, पूछ रहा है मेरा केवाईसी हुआ है क्या, मेरा पैसा आना तो बंद नहीं होगा ना, बोलने का मतलब। तो हर किसी को पैसे की जरूरत है सर, आज के डेट पे जो 5 लाख 10 लाख 15 लाख 20 लाख कमा रहा है ना, उसको भी 50 लाख 1 करोड़ कमाना है। क्योंकि मैं पिछले 2 साल में कंपेयर कर रहा हूँ हर चीज का प्राइस, आप देखो हर चीज का प्राइस कम से कम डबल हो चुका है। मैं बॉम्बे से इधर पुणे आता था 300 रुपए लेता था, आज 500 रुपए हो गया बेयर मिनिमम। कितना परसेंट ग्रोथ हो गया? हाउ मच परसेंटेज? इट इज ऑलमोस्ट 70% ग्रोथ इन एवरी इवन पेट्रोल देखो, खाने में देखो। आज हम लोग हमारा पास डिस्पोजेबल इनकम ही नहीं रहा, हमारा सैलरी कितना बढ़ रहा है 4% लोएस्ट जो सी ग्रेड वाले को है, जो ए ग्रेड आता है ना उसको 11%, तो टॉप रेटेड है। बोनस कितना मिलता है? 3 लाख रुपए 4 लाख रुपए 5 लाख रुपए बहुत है उसको, डिपेंड्स सर। आज के डेट में मैं जो 17 साल में जो मेरा इनकम को लेके आया था, 17 साल लगा के मैंने एक महीने को 2.25 लाख रुपए मेरा अकाउंट में क्रेडिट होता था, तब जाके मुझे तसल्ली होती थी। ये 3.5 साल में मैं जब मेरा पोजीशन आया 3 लाख तब मैं उसको रिटायरमेंट ले लिया। आई हैव नॉट रिजाइंड, आई हैव टेकन ए रिटायरमेंट फ्रॉम सर्विस। सो मुझे यार कुछ अच्छा चाहिए, हर अरे आई हैव मेड यू नो इनफ मनी इन माय प्रोफेशन, now I thought I should do back something to the society. What will you give? एक तो सर्विस देना है, और सर्विस देने से अगर उससे कुछ वैल्यू एडिशन मिल रहा है तो उससे खुशी क्या है? डॉक्टर को कब खुश मिलता है? When we be happy because when his patient says thank you, आपके वजह से मेरा जान बच गया, आपके वजह से मेरा क्यूर हो गया। वो तब मुझे जब मेरे दीदी का माइग्रेन निकल गया, उसका फिट्स था जो 32 साल से वो निकल गया, मेरा भाई का इंसुलिन लेना बंद हो गया कॉन्फिडेंटली, मेरे घर में सब लोग कैंगन करते हैं, जो 25 साल से हम लोग एक साथ में नहीं थे, ये कैंगन ने सबको साथ।
मेरा बीवी जगती है. माय वाइफ से अरे यार क्या हो गया, 22 साल से तुम तुम्हारे भाइयों को छोड़ दिया था, दीदी को छोड़ दिया था, अभी तो तुम सब लोग, मेरा माँ भी, माय मदर इज 62 ईयर, शी इज अलोन. वो भी मशीन रख के वो ऐसा मंत्र करके पहले पानी देती थी जब छोटे थे, अभी वो मंत्र करके ये मंत्र का पानी है, बोले गांव में होता है ना. That's what she does. So a lot of things it is adding. I am telling you, ये एक ऐसा miracle, मतलब ये miracle चीज़ है. अगर आपको कुछ भी doubt है तो please पूछिए. I am there to help you, and I will address by best of my knowledge. Technically, if you ask me the technical point of the machines and how physiologically and in anatomically my water works in your cellular level. I am not trained, I am not an orator, and मुझे ऐसा स्टेज में आके बोलने की मुझे कोई इच्छा भी नहीं है. But I want to help the people to the best of my knowledge. जितना नॉलेज है उतना इम्पार्ट करूंगा. अगर आपको लेना है तो आप ले सकते हो, इसको एंजॉय कर सकते हो. एंड आई कैन वॉच ऑन दिस, यू कैन चेंज योर लाइफ, इट हैज चेंज माई लाइफ. और जापानीज का अगर हर चीज हम लोग कॉपी करने की अगर हम लोग इच्छा रखते हैं, क्यों नहीं ये चीज. मेरा पास सोनी टीवी होना चाहिए, मेरा पास टोयोटा गाड़ी होना चाहिए, क्यों नहीं मेरे पास ये भी होना चाहिए. ये भी तो लाइफस्टाइल है ना. पानी है इसलिए, फ्री मिलता है इसलिए नहीं, बिकॉज आज की डेट पे सर बहुत बेकार होने वाला है. अगले 10 साल में हर एक घर में कैंसर आने वाला है. I've done a lot of research. Cancer is going to be the number one. जो 11वां पोजीशन पे था 10 साल पहले, आज 4th पोजीशन पे आया है. Diabetes, BP, and other diseases, and 4th is cancer. The cancer is going to take over everyone. Because diabetes नहीं आ सकता, लेकिन cancer जरूर आएगा. Diabetes is the only one, only pancreatic. Pancreatitis, right? कैंसर किधर भी आ सकता है, कान में भी आ सकता है, इधर भी आ सकता है, इधर भी आ सकता है, इधर भी आ सकता है, किधर भी आ सकता है. तो सोचो, कैंसर मतलब एसिडोसिस, मेटाबॉलिक एसिडोसिस एंड ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस. अगर आपको ऑक्सीडेशन को अगर आप सप्रेस नहीं करेंगे तो दूसरा तरीका नहीं है. आइदर यू हैव टू हैव एन एंटी ऑक्सीडेटिव agents, like you should live like a Ramdev Baba in a jungle. That is next to impossible because we are social animals. He is anti-social, we are social animals. So Kari sahab aankh maarte maarte wo apna life set hai uska. Haan, aap logon ka nahi hoga kyunki aapko bachche chahiye, pizza chahiye, burger chahiye, maa chahiye, bayan chahiye, sab chahiye. So please take this as an opportunity, please get the people. हम लोग बिकर ऑल वेरी लकी, हम लोग समझते हैं, हम लोग अपने जिन्होंने आपको इनवाइट किया उनको समझते हैं, राइट. एंड वी आर ऑल लाइक माइंडेड पीपल, लेट स्प्रेड दिस. देखिए, 1% ऑफ द पॉपुलेशन मेक्स चेंजेस अक्रॉस द वर्ल्ड. ओनली 1% richest people are only 1% ऐसा नो, स्पिरिचुअल पीपल आर ओनली 1%, राइट. लाइक वाइज लाइक माइंडेड ऑल्सो 1%. So let's find them. That's why this energy पिछले 28 साल से IC बिक रहा है, next 28 साल में भी IC बिकने वाला है. इसको कोई क्वेश्चन पुनः पूछेगा. Rolls Royce IC बिकता था 100 साल से, Rolls Royce IC बिक रहा है सर. वो चाहता मुकेश अंबानी Rolls Royce को खरीदता, खरीद सकता है ना, उतना पैसा है उसके पास. लेकिन Rolls Royce बेचता है क्या? वो अपने आप को नहीं बेचता. हर एक किसी के पास प्रिंसिपल है. रतन टाटा और मुकेश अंबानी में आसमान जमीन फर्क है. सो ऐसी ये प्रोडक्ट, इसका कंपैरिजन आप किसी को नहीं कर सकते. यू कांट कंपेयर टू दिस. मैं नहीं बोल रहा हूं कि हर चीज यही है 100% ये रहेगा तो आप अगले दिन मर जाओगे, नहीं. यू हैव ए बेटर चॉइस ऑल्सो अदर देन दिस. यू हैव ए चॉइस. पंचभूत शक्ति है, पंच तत्व है, करो ना, कौन मना कर रहा है. अच्छा, नींद करो 8 से 10 घंटा, करना ही चाहिए, राइट. अगर आपको आता है तो. दूसरी बात, आपको सात्विक खाना चाहिए, शुद्ध खाना चाहिए, ऑर्गेनिक खाना चाहिए. गांव गांव में जाकर ढूंढ ढूंढ के लेके आ जाओ. कच्ची घनी का तेल खाना चाहिए हमको, लेके आ जाओ 500-500 रुपए का लीटर. सुबह सुबह 1 घंटा भागो,
मेक अवर बॉडी एक्टिव, सेल्स को फ्रिक्शन करो, फ्रिक्शन करने से इलेक्ट्रॉन्स उत्पन्न होते हैं, इलेक्ट्रॉन उत्पन्न होने से एंटीऑक्सीडेंट बनते हैं. सो अवर बॉडी इटसेल्फ हैज गॉट कैपेसिटी टू प्रोड्यूस इनफ एंटीऑक्सीडेंट्स, यू डोंट रिक्वायर वाटर. सो ये सब आपको पास मिलना चाहिए. देखो युवा लोगों, योगा जो योगा करते हैं ना, योगा लोगों को कुछ नहीं लगता है, उनको इनको कोई भी पानी इनको फर्क ही नहीं पड़ता है. देखो योगा इटसेल्फ, योगा मतलब खाली दो पर हाथ पर हिलाने से योगा नहीं होता है. योगा मीन्स यू हैव टू ईट ओनली वंस अ डे, वंस अ डे. योगा मीन्स ओनली से वंस अ डे, दैट्स कॉल्ड इज योगी, अदरवाइज इज भोगी, अगेन अदरवाइज इज रोगी. सो चॉइस इज अवर्स. सो इफ यू वांट टू बिकम अ सोशल एंड हैव दिस चेंज ऑफ वाटर बाय सब्स्टिट्यूटिंग 75% ऑफ आवर बॉडी वाटर, एंड द चॉइस इज ओनली कैन यू वॉट. इसे मेडिकली अप्रूव्ड. आपको मैं बहुत मजे की चीज बताता हूँ, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग. यू नो हम लोग में बोलते हैं, एक टाइम खाए वो योगी, दो टाइम खाए वो भोगी, और तीन टाइम खाए वो रोगी. करेक्ट, चार टाइम तो भोगी है. ठोक दिया उसने. भोगी सुबह सवार दो टाइम इधर होंगे बस, अभी नहीं योगी में तो है नहीं, भोगी में आ गए. डॉक्टर हुक्स इज देयर, यू नो देयर इज अ डॉक्टर कॉल्ड हुक्स, हिक्स, सॉरी ही इज डॉक्टर हिक्स. He is a medical device ka, he is champion in US. He says to get a medical device approved by Japanese medical authority and health ministry, they spend almost, you know, $30 billion. $30 billion kitna hota sir, if anyone is 2,25,000 crore. इतना पैसा खर्चा हुआ है गैंगर में, इसमें खर्चा $30 billion सर, इसलिए ये महंगा है. आरएनडी के लिए पैसा नहीं लगता क्या? आरएनडी के लिए पैसा नहीं लगता क्या? खाली ऐसी कॉपी किया छोड़ दिया. देखिए सर ये आर्ट है, दिस इज आर्ट, यू कैन नॉट कॉपी माय आर्ट, यू कैन कॉपी ओनली माय स्किल्स. 200 लोग, कम से कम 200 कंपनीज आर चेजिंग कैंगन, हाउ टू मेक कैंगन, and nobody can reach that position. Never, not possible. See, Japanese log jaise ban sakte kaisa? Possible hai kya? You know, the world health quality, health quality index, if you see the health quality of index, it is 7.6%. Highest in the world is in Japan. Hum log 67 pe hai. We can't go near to that. Second is our other countries, but Japanese, they have authority. That's where their authority is. They are patenting this product. हर किसी की बस की बात नहीं है हर चीज पे patent करने का. Business model को भी patent कर दिया उन्होंने, इसलिए ऐसा बिक रहा है. और ये ऐसी बिकना चाहिए. किसी ने बोला मैं 100 मशीन लेता हूं तो मत जा, भाड़ में जा बोलता है. तो 100 लेके तो एक बार ले लेगा बस, तू मजा कर लेगा भैया, लेकिन मुझे 100 से मुझे 1,000 कब करेगा, जब मेरा 1,100 लोग मेरे ब्रांड एम्बेसडर बनेंगे. बिकॉज आप एंड यूजर हो, आप अच्छे बोलेंगे तो ये 2 लोग ले आए ना सर. सो दिस इज हाउ इट इज गोइंग सर, इट्स अ वेरी स्पिरिचुअल प्रोडक्ट, प्लीज गेट इन टू दिस वंडरफुल प्रोडक्ट. सर बेसिक मॉडल और ये मॉडल में क्या फर्क है? सर बेसिक में जो